गुड मॉर्निंग क्लास सेवन क्लास स्टूडेंट गुड मॉर्निंग रोकुल अकेडमी पूनम शर्मा हिंदी टीचर। मैं आपके सामने आपका लिटरेचर हिंदी फर्स्ट का चैप्टर लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है वह देश कौन सा है। अब देश कौन सा है, किसके बारे में बात की जा रही है, आप लोग सभी जानते हैं कि देश कौन सा है, वो हमारे भारत देश के बारे में कहा जा रहा है। हमारे भारत देश के बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ बातें बताएगा जो हमारे बहुत ही विख्यात है। महाकवियों के बारे में बताया गया, हमारे संस्कृति के बारे में बताया गया, हमारे समुद्र के बारे में बताया गया कि हमारे कवियों ने किस किस ने इसमें क्या क्या कार्य किया है, यहाँ तक कि हमारे देश की अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रकाश में ज्योति किस तरह से प्रकट की गई है, वह देश कौन सा है, यह आपके चैप्टर को मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाली जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्लास सेवन्थ क्लास ध्यान से सुनिए, वह देश कौन सा है। अभी मैं आपको आपकी कविता के बारे में कुछ जो विशेष जो बातें हैं वो मैं समझा चुकी हूँ, बाकी आप ध्यान से सुनना, आपकी समझ में आ जाएगा कि आपके देश के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। यहाँ पे आपके मतलब कि देश के बारे में वर्णन किया गया है कि आपकी प्रकृति, आपके मतलब कि जो संस्कृति है, प्रकृति है, वो कैसी है, आपकी मनमोहने वाली है। रत्नेश समुद्र को कहा गया है और मुकुट जो धारण करता है वो हिमालय है, वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बह रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है, कि जहां की नदियां जो हैं अपनी क्या है सुधा अमृत जैसी धारा को बहाती हैं और हमारे देश की सिंचाई में भी अपना सहयोग देती हैं, वह सलोना देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके रसीले फल हैं, नाज है, मेवे हैं, अनेक चीज़ें हैं जो कि हमारे अंगों में बसे रहते हैं, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वे फूल जो कि दिन रात अपनी सुगंध को बखेरे हुए हंसते हैं, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। कि हमारे देश को प्रथम वह जगत संसार का जो कि एक सभ्यता सभ्य है, यशस्वी है और जहाँ ईश्वर को बहुत मान्य दिया जाता है, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासी को जिसने प्रथम जगाया है, शिक्षित किया है, सुधारा है, वह देश कौन सा है। कि हमारे पृथ्वी के जितने भी निवासी हैं जिनको शिक्षित किया गया है, वह देश कौन सा आता है। जिसमें दधीची दानी है, हरिश्चंद कर्ण जैसे थे सब लोग हितेशी, वह देश कौन सा है। क्योंकि हमारे देश में ही है ऐसे कवि मतलब कि लोकहित की उपासना करने वाले व्यक्ति हुए हैं, महान दानी हुए हैं, जो दधीची हरिश्चंद कर्ण जैसे लोग भी हमारे ही देश में हुए हैं। वाल्मीकि व्यास ऐसे जिसमें महान कवि हैं, श्री कालिदास वाला, वह देश कौन सा है। कि जहाँ वाल्मीकि व्यास ऐसे महान कवि जो कि हमारे देश में पैदा हुए हैं, जैसे श्री कालिदास जैसे देश, निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है। क्योंकि हमारे देश में ही निष्पक्ष न्यायकारी और पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बता सकते हैं कि वह देश कौन सा है। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। कि 36 कोटि जैसे सेवक हैं इस देश में, ऐसे अनेक सपूत हैं जो भारत इसके सिवा कोई दूसरा कोई देश भी नहीं है, वह देश कौन सा है, ये सब ये ऐसे ही लोग बता सकते हैं। आप किस कविता के जो लेखक हैं वह हैं कवि राम नरेश त्रिपाठी। अब आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ, कवि परिचय। कवि परिचय राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1879 और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुई थी। हिंदी भाषा के ये प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन संस्मरण, बाल साहित्य आदि सभी विधाओं में लेखन किया है। अपने 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं। बा और बापू उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। यह आपका इनका कवि का जीवन परिचय हो गया। दूसरा आपका हो गया शब्दार्थ। मैंने इसमें शब्दार्थ भी लिखे हैं और कठिन शब्द भी लिखे हैं। अब आपका आता है रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि देखिएगा आप लोग, रचनात्मक गतिविधि अर्थात आपकी जो एक्टिविटी है, आपको चैप्टर कौन सी एक्टिविटी करनी है ये देखिएगा आपको करना है। आपको कौन कौन से फल कंद अनाज और मेवे अच्छे लगते हैं उसकी सूची बना करके आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिससे सुगंध आती है। आपको इनमें से किसकी सुगंध सबसे अच्छी लगती है चित्र सहित दर्शाइए। आपको जिसकी भी सुगंध सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाएंगे और उसको चित्र सहित दर्शाएंगे, उसका नाम भी लिखेंगे। कविता में कहा गया है कि भारत ने पृथ्वी के निवासियों को जगाया। कविता में ये बात कही गई कि भारत ने कवियों के पृथ्वी के निवासियों को जगाया। यहाँ जगाने का अर्थ अर्थात अज्ञानता को दूर करना। बतलाइए इन्हें कौन जगाएगा और कैसे जगाएगा, यह आपको बतलाना है। आपको कौन जगाता है और कैसे जगाता है, फूलों को कौन जगाता है और कैसे जगाता है, पक्षियों को कौन जगाता है और कैसे जगाता है,
धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, घर में रहिए।